आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। तो द क्वेश्चन इज कि हमारे पास एक एयर बबल है जिसका वॉल्यूम 1 cm³ है एंड इट राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक जो कि 40 m डीप है एट अ टेम्परेचर ऑफ 12°C। टू व्हाट वॉल्यूम डज इट ग्रो व्हेन इट रीचेस द सरफेस विच इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 35°C। तो पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। वॉल्यूम दे रखा है हमें, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है 1 cm³, इट इज इक्वल्स टू 10^-6 m³। SI यूनिट में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और टेम्परेचर हमें दे रखा है T1 इज इक्वल्स टू 12°C, इट इज इक्वल्स टू 12+273 इज इक्वल्स टू 285 K। और हमें पास प्रेशर पता है हमें कितना दे रखा है, क्योंकि लेक के बॉटम पे प्रेशर निकालना है, सो इट वुड बी P0 + ρgh। P0 हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा 1.01 × 10^5 + 40 × 10^3 × 9.8। सो P1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 493000 pascal। और सिमिलरली जब ये सरफेस पहुंच जाएगा तो उस केस में जो टेम्परेचर होगा इट इज इक्वल्स टू 35°C इज इक्वल्स टू 308 K। और जो प्रेशर होगा इट विल बी इक्वल्स टू एटमोसफेयरिक प्रेशर 1.01 × 10^5 pascal। और वॉल्यूम हमें निकालना है। सो क्योंकि जो बबल है ये पहले लेक पे था, लेक के बॉटम पे था, अब लेक के सरफेस पे आ गया, सो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे बबल के, बबल एयर बबल के जो नंबर ऑफ मोल होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा बॉटम पे और टॉप पे दोनों केसेस में। सो वी कैन राइट की P1V1/T1 = P2V2/T2। और यहाँ से हम V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, V2 = P1/P2 × T2/T1। और यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे V1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 10^-6 × P1/P2 = 2 की वैल्यू 1.01 × 10^5 T2 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 308, वी कैन राइट 308 डिवाइड बाई T1 की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 285। सो मल्टीप्लाइंग दिस वी कैन गेट द फाइनल वैल्यू, फाइनल वॉल्यूम V2 इज इक्वल्स टू 5.275 × 10^-6 m³। ये हमारा फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। और वी कैन राइट यहाँ पे कि V2 इज इक्वल्स टू 5.275 cm³ में अगर हम लिखना चाहें इसको, तो ये 5.275 cm³ आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।